अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो पिछली क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12, फूड एंड फन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके 3 क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचे हैं, टाइप्स ऑफ फूड। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फूड। All food falls into 3 types. They are, ये जो फूड है ये इसके 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1 जो है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स वाली गज़ा जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाती है। नंबर 2 एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, वो गज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मौजूद हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स वाले गज़ा जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से। तो पहली जो है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जी, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है? प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। दीज फूड्स मेक अस ग्रो टॉल एंड स्ट्रांग। और ये जो प्रोटीन्स वाली गज़ाएँ, ये हमारी बॉडी को ग्रो करती हैं, मजबूत बनाती हैं। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। बच्चे और जो नौजवान बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन वाली गिज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है बड़ों के मुकाबले में, क्योंकि उनको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उनको बड़ा होना होता है, उनको स्ट्रांग बनना होता है। तो इसलिए बच्चों में प्रोटीन वाली गिज़ा ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ज़्यादा प्रोटीन्स वाली गिज़ा देनी। जैसा कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे चीज़, मक्खन, पल्सेस हैं, दालियाँ, बीन्स, पीज, मटर, नट्स, सोयाबीन, मीट, फिश एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इनमें प्रोटीन्स की मकदार ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे दिखाई गई। तो दूसरा है, दूसरी टाइप जो गुज़ा की है वो है एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस द एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, हमें ताकत देते हैं, इसीलिए इस गज़ा को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। जैसा कि शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज फूड गिव्स आ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क, रन, प्ले, स्टडी, etc. तो ये जो गज़ा है ये हमें एनर्जी देती है, ताकत कर देती है, किसके लिए? काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वगैरह वगैरह। शुगर इज़ प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। शुगर हर तरह के मेवों में पाई जाती है, हनी, बीट रूट्स एंड शुगर के। तो इन चीज़ों में क्या पाया जाता है? शुगर। स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन राइस। स्टार्च किस में मौजूद होता है? राइस, चावल में, वीट में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, टैपोका एंड याम। तो इसमें क्या पाया जाता है? जी, स्टार्च पाया जाता है। तो ये स्टार्च और शुगर वाली जो गज़ा है तो ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। उसके बाद फैट्स। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी। फैट्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं दिन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बनस्पत। इफ़ फैट्स आर नॉट यूज अप इन द बॉडी, इट इंक्रीज द बॉडी वेट विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इफ़ फैट्स आर नॉट यूज अप द बॉडी, अगर बॉडी को फैट्स की ज़रूरत नहीं है,
इट इंक्रीज द बॉडी वेट। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वेट बना देते हैं, ज़्यादा फैट्स फैटी हो जाती है हमारी बॉडी, एक्सेस हो जाते हैं फैट्स इसमें, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो वेट बढ़ जाता है, तो वेट के साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो सुस्त पड़ जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। और ऑयली फूड्स, जो भी ऑयली फूड है फैट इन देम, तो उसमें क्या है, फैट उसमें मौजूद है। ऑयल सीड लाइक ग्राउंड नट्स, जैसा कि सरसों और ग्राउंड नट्स, मूंगफली, कैशू नट्स, काजू, कोकोनट्स, नारियल, वेजिटेबल, घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग हैव फैट इन देम। तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें फैट काफ़ी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो टाइप है हमारी फूड की, वो है प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड्स रिच इन मिनरल एंड विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। वो गज़ा जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। वी नीड दीज फूड्स टू ग्रो हेल्दी बोन्स, टीथ, हेयर, स्किन एंड फॉर अवर जनरल वेल बींग। दीज फूड्स हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सिकनेस। वो गज़ा जो हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, बालों को, दांतों को, स्किन को, तो उसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं। और ये जो फूड है ये हमें बचाती है बहुत सारे बीमारियों से, बीमार होने से, जैसा कि ये कौन कौन से हैं, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल, बनाना, ये फ्रूट्स जो हैं, या फिर सब्जियों में कॉलीफ्लावर है, टमाटो, पोटैटोज, ब्रिंजल, ये जो हैं ये वेजिटेबल्स। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, टाइप्स ऑफ फूड जो हमने कंप्लीट किया। तो थ्री टाइप्स थी हमारी फूड्स की, पहली जो थी बॉडी बिल्डिंग फूड्स था, दूसरा एनर्जी गेन फूड, तीसरा जो था प्रोटेक्टिव फूड्स, जिसके बारे में हमने आज लर्न किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जाएंगे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।